बेंगलुरु के एक इन्वेस्टमेंट फर्म ने करीब 1700 लोगों को करोड़ों का चूना लगाया है। हैरानी की बात यह है कि धोखाधड़ी के शिकार लोगों में सिनेमा, खेल और राजनीति जगत की कई जानी मानी हस्तियां शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक विक्रम इन्वेस्टमेंट नाम की कंपनी ने जिन लोगों के साथ धोखाधड़ी की उनमें राहुल द्रविड़ और पत्नी विजेता, बैडमिंटन स्टार साइना नेहवाल और दीपिका पादुकोण के पिता प्रकाश पादुकोण भी शामिल हैं। हालांकि इनमें से किसी भी सेलिब्रिटी ने फिलहाल पुलिस के पास शिकायत दर्ज नहीं की है। 160 लोगों की शिकायत के बाद पुलिस ने कंपनी के मालिक राघवेंद्र श्रीनाथ और उसके सहयोगी सूत्रम सुरेश को गिरफ्तार किया है। बेंगलुरु पुलिस ने पूरे मामले की जांच के लिए 3 टीमें गठित कर दी हैं। There was a case of cheating with respect to commodity trading. Few victims they did not get the profits in time which was promised by the Vikram Investment Agency. They started doubting the credibility of the investment firm. Then they approached the local police, and based on the complaint, we have taken the case of cheating. Our special teams have successfully nabbed 5 accused with respect to the case. The accused are in police custody since last 10 days. They are being questioned by all different experts.